तो टाटा के खुद के शोरूम के अंदर ही भाई उसके पार्ट्स वो नहीं रखते हैं। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे नैनो के पार्ट्स और सर्विस कॉस्ट के बारे में। बहुत से लोगों के ये कमेंट्स रहते हैं कि भाई मेरे को इसके जो पार्ट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं, मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं, और कई बार तो चांस ऐसा होता है कि भाई इसके पार्ट्स महंगे हो या सस्ते हो मिल ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से बाय करें और इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो में एंड तक बने रहना। आपके कोई भी डाउट्स कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार लिख देना, कोई भी आपका डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर लिख सकते हैं। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके जो पार्ट्स है। बहुत से लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि भाई इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, मैं कहाँ से बाय करूँ, सस्ते पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, या पार्ट्स ही नहीं मिल रहे, महंगे हो या सस्ते हो, मैं कहाँ से बाय करूँ। देखो, सबसे जो जेन्युइन चीज़ें हैं आपको बाय करने के लिए, अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो आपको नियर बाय कोई शॉप देखनी है जहाँ पे कार, ज़्यादातर कारें बनती हो, तो वहाँ पे आपको जाना है। अगर वहाँ पे पार्ट्स नहीं मिलते हैं, सबसे पहले आपको ऑफलाइन ही ट्राई करना है, हमेशा ऑफलाइन ट्राई करना है। अगर आपको पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो ऑफलाइन जाओ, ठीक है। अब दूसरे बार में अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहे हैं तो आप जाओ सीधे, कहीं ट्राई मत करो, ना इधर ना उधर, आप ट्राई करो सीधे के सीधे जाके टाटा के सर्विस सेंटर या टाटा के शोरूम में जाके ट्राई करना है आपको। अब टाटा का सर्विस सेंटर कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ आपके आसपास में नियर बाय में होगा नहीं होगा, ये कैसे सर्च करोगे आप? तो उसके लिए आपका गूगल मैप्स यूज़ करो, आप उस पर जाओ और सर्च करो टाटा नियर बाय सर्विस सेंटर या शोरूम, वहाँ पर जाओ और आप अपनी कार के जो भी दिक्कत, जो भी पार्ट्स आपको लेने हैं या बाय करने हैं उसको जाके खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। अब एक दिक्कत यहाँ पे शुरू ये हो जाती है, मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई, तो इसलिए आपको शेयर कर देता हूँ मैं पहले ही, कि टाटा के शोरूम में, टाटा नैनो बंद हो चुकी है तो टाटा के खुद के शोरूम के अंदर ही भाई उसके पार्ट्स वो नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या जो यहीं शुरू हो जाती है, कि मान लेते हैं एप्पल कंपनी का मोबाइल है, अब उसके मोबाइल के सर्विस सेंटर पे ही उसकी सर्विस नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे भाई, फिर हम जाएंगे कहाँ? तो अब मैं उसका आपको बता देता हूँ कि सबसे बढ़िया आपको क्या क्या ट्राई करने चाहिए अगर आपको पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं सर्विस सेंटर पे भी। देखो, सबसे नंबर वन, जहाँ पे कार कटती है, आपको पता होगा कि कार का जैसे डेट टाइम पूरा हो जाता है या कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे अच्छे अच्छे पार्ट्स भी होते हैं जो बिकने वाले होते हैं, तो आपको नियर बाय में सर्च करनी है अपने आसपास जहाँ पे कार वगैरह कटती हो या डिस्ट्रॉय होती हूँ, तो आपको जाके वहाँ पे ट्राई करना है। आपके आसपास में पूछ सकते हो किसी से, आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो जाके एक बार ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको पार्ट्स। अब अगर वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ सबसे जो अच्छी चीज़ है, वहाँ पे आपको पार्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे गाइस। तो अब मैं बात करने वाला हूँ जो मेन शस्त्र है लास्ट में, कि आपको उसके पार्ट्स वहाँ पे मिल ही जाएंगे, तो आपको ट्राई करना है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में भी बहुत सी जगह होती है, कहाँ ट्राई करें भाई, ऑनलाइन में बोर्डमो पे जाके ट्राई करो। ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। बोर्डमो पे आपका मॉडल पूछेगा कौन सी कार है, उसका मॉडल कौन सा है, कौन सी ईयर बनी है, कौन सा है नहीं है, वो सारी चीज़ें डाल के आपको जो भी पार्ट चाहिए गाइस, जो भी पार्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल पार्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आपको ओरिजिनल पार्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ओरिजिनल के साथ साथ, मान लेते हैं आपके लिए कुछ भी हेडलाइट मंगवाई इस कार की, लेकिन ये मॉडल दूसरे वाले मॉडल की निकल गई, आपको यह इसमें दिक्कत आ रही है, ये वाली नहीं चल रही है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिटर्न करने का भी ऑप्शन मिलता है, कि आपको इतने दिन के अंदर आपका रिटर्न वापस चला जाएगा, आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया आप समझ गए होंगे कि कहाँ से आप अपनी कार का पार्ट्स को बाय कर सकते हो। अब आते हैं नंबर दो पे, जो कि हमारा आता है सर्विस को लेके, कि कार की सर्विस कितने में हो जाती है गाइस। देखो, अगर इसकी बात करें हम टाटा नैनो की सर्विस, बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी सर्विस 1500 में हो जाएगी, कई कहते हैं कि 1000 में भी हो जाएगी, कई कहते हैं कि 2000 में हो जाएगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम जो खर्चा आता है, अगर आप ऑयल चेंज करवाते हो तो आपका इसमें आता है मोटा मोटा खर्चा 1500 रुपये का। बाकी आपके जैसे शू, ब्रेक शू हो गए, ये चेंज करवाने हैं आपको, या आपको कोई अलग से चीज़ें टूट गई हैं वो ठीक करवाने, तो उसके यार अलग से कॉस्ट होती है, लेकिन कम से कम 1500 तक खर्चा आ जाता है, 1500 से 2000 के बीच में आपका खर्चा आ जाता है अगर आपको एक सर्विस करवानी है। बाकी ब्रेक शू वगैरह या कुछ छोटे मोटी चीज़ें, उनका अलग से कॉस्ट आ जाती है।
700-800 रुपये, तो यानी 2500-3000 कम से कम मान लो 2500-3000। ब्रेक शू वगैरह हर बार ही चेंज नहीं करवाने, हर बार ही नहीं होते ब्रेक शू चेंज वगैरह, तो 1500 से लेके आपके 3000 तक में जो सर्विस है वो पूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ गाइज जो मैंने आपको अभी बताया समझाया आप समझ गए होगे। आप बहुत से लोगों के मन में भी कुछ डाउट चल रहा होगा, कुछ कमेंट्स आ रहे होंगे, तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस जल्दी ले आऊँगा और हो सकता है मैं कमेंट पे ही आपका रिप्लाई कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक पे गाइस। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।